Hi Vichavari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. आज आई वॉज वंडरिंग कि क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और यू नो यूजुअली जब एंट्रेंस एग्जाम्स पास आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्योटिक हम फील कर रहे होते हैं. हमें ऐसा लग रहा होता है कि अब हम लोग अपने टाइम को कैसे मैनेज करें और कैसे हम लोग पढ़ाई करें. तो जब एंट्रेंस एग्जाम पास आते हैं तो जो 10 दिन होते हैं आपके पास में रिवाइज करने के लिए, वो 10 दिन का आपका क्या स्केड्यूल होना चाहिए. तो आज के इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू 10 घंटे का स्टडी स्केड्यूल, दोनों अलग अलग लोगों के लिए, जो नाइट आउल्स है जो रात में पढ़ते हैं उनके लिए भी एंड जो अर्ली बर्ड्स है उनके लिए भी. मैं पर्सनली आपको ये स्केड्यूल इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि मैंने भी एंट्रेंस एग्जाम्स फाइट किए हैं और मैंने कम्पेटिटिव एग्जाम्स भी दिए हैं. एंड आई डोंट नो इफ यू गाइज नो दिस और नो, बट आई वॉज एन ऑल इंडिया रैंकर इन वन ऑफ द कम्पेटिटिव एग्जाम्स. So I am kind of sharing my schedule with you, but थोड़ा सा lenient version of it. मैं बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से और बहुत ही aggressive होकर पढ़ती थी और मैं उसके भी आपको drawbacks बताऊँगी और मैं आपको बताऊँगी specially मैं ये video क्यों लेकर आई. So I'll also let you know. So आज हम discuss करेंगे night owl और early bird का 10 दिन का revision schedule क्या होना चाहिए, आपका time table क्या होना चाहिए. तो अगर आप एक नाइट आउल हो दैट मीन्स आप लेट तक जगते हो और आप सुबह भी 9 बजे के करीब उठते हो तो आपका ये स्केड्यूल होगा. 10 घंटे की पढ़ाई का स्केड्यूल जो है हमने यहाँ पर बनाया है आपके लिए. सबसे पहले तो आपको सुबह 9 बजे उठ लेना है फटाफट से. 9 से 10 के बीच में टेक अ क्विक ब्रेक. इसके अंदर आपको एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, खास करके जब एग्जाम पास में आ रहे होते हैं तो आप थोड़ा सा कुछ भी कर लीजिए, चाहे घर पे वो करेंगे तो उससे आपका माइंड जो है वो काफी अच्छा रहेगा. एंड आपने ब्रेकफास्ट जो है वो यहाँ पे कर लेना है. भूखे पेट पढ़ने नहीं बैठना है क्योंकि बीच में फिर क्या होता है, आपको क्रेविंग्स होती है और आप उठ उठ के कुछ खाने जाते हो. तो आप पहले ही अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फ्रेशन अप हो जाइए, शावर ले लीजिए. 10 बजे से आपको सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ना है. लैंग्वेज इसके लिए पढ़ना है, नया है, थियोरेटिकल है, लैंग्वेज है, तो कहीं ना कहीं आपको सबसे फ्रेश माइंड की जरूरत यहाँ पर पढ़ने वाली है. तो जो भी कॉन्सेप्ट है, चाहे आप वोकैबुलरी रिवाइज कर रहे हैं, चाहे आप ग्रामर के रूल्स रिवाइज कर रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ लीजिए. इसके बाद में आप 10 से 11 एक घंटा आप लैंग्वेज को दे दीजिए, उसके कॉन्सेप्ट्स को दे दीजिए. 11 बजे जो है आप बैठ जाइए जीटी के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए. जिन बच्चों के पास में भी जनरल टेस्ट है वो बैठ जाएंगे जीटी के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए. आपने इनके लिए क्या कर लेना है, एक लिस्ट बना लेनी है ऐसे कॉन्सेप्ट्स की. आप जिन भी टीचर्स से पढ़ रहे हैं जो भी है, आप ऐसे लिस्ट बना लीजिए कि ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और ये वाले कॉन्सेप्ट्स मुझे अच्छे से आते हैं, आपने वही प्रिपेयर करने हैं. तो वही कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके यहाँ पर आपको 11 से 12 के बीच में प्रिपेयर करने हैं. 12 बजे जो है आपको लैंग्वेज का मॉक टेस्ट ले लेना है. आपको बताया हुआ है लैंग्वेज का मॉक टेस्ट जो है एनटीए के मॉक टेस्ट से मैच होता हुआ होना चाहिए एंड दैट इज व्हाई लैंग्वेज का मॉक टेस्ट आप ले सकते हो. इससे इसमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है, बट आप इंग्लिश का एड्यूकार्ड परचेज कर सकते हो. यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे सैम्पल पेपर्स, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स अकॉर्डिंग टू एनटीए का मॉक पेपर, 2 अनसॉल्व्ड पेपर भी मिलेंगे और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में ए आंसर दिया है तो वो क्यों दिया है वो भी इसके अंदर गिवन है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो. और सब कुछ एकदम वैसे ही है जैसे एनटीए का पेपर है, तो आप ये बुक चेकआउट कर सकते हो. लिंक इसका मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके बाद में आपने क्या करना है, एक बजे के आसपास लंच ब्रेक ले लेना है. इससे डिले मत कीजिएगा क्योंकि अभी इतना टाइम हो चुका है, आपका ब्रेन कम से कम 3 घंटे पढ़ चुका है, यू नीड समथिंग टू ईट, नहीं तो फटीग फील होता है. तो आप यहाँ पे लंच ब्रेक ले लीजिए. लंच ब्रेक लेते ही आप मॉक टेस्ट कीजिए. मैंने मॉक टेस्ट को लंच ब्रेक के बाद में इसीलिए रखा है क्योंकि यूजुअली खाने के बाद में थोड़ी सी नींद आती है, ऐसे अजीब सा फील होता है. तो आप मॉक टेस्ट लेंगे तो थोड़े जगे रहेंगे और खास करके जीटी तो आपको एकदम जम के जगा देगा. और राइट, इसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके लिए आप जैसे ही आपने मॉक टेस्ट ले लिया आप 3 o'clock से 3:30 तक का एक ब्रेक ले सकते हो, आधे घंटे का. ये ब्रेक उन लोगों के लिए है जिनको दोपहर में सोने की आदत है या फिर वो बहुत ही अजीब फील कर रहे हैं राइट आफ्टर ईटिंग है, अभी मॉक टेस्ट लिया है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आधे घंटे सो सकते हैं. इससे उनका नींद का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा. चाहो तो आप आधे घंटे कोई पॉडकास्ट सुन सकते हो, इंस्टाग्राम चला सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो, या फिर सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन, सबसे प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन इस ब्रेक का होगा डाउट. आपने क्या करनी है, अपनी एक डाउट जर्नल जो है
है वो बना लेनी है, उसके अंदर आपने सारे डाउट जो आ रहे हैं, आपने जो भी मॉक टेस्ट किए उसमें जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं वो आप रख के रखिए, वो क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं जाना है, उनको अच्छे से करना है, आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स से सॉल्व कराना है। तो ये आधे घंटे में आप टीचर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं, फ्रेंड्स से कनेक्ट कर सकते हैं, इट इज अ गुड ब्रेक अगर आप इसे अच्छे से यूज करो। इसके बाद में आप 3:30 टू 4:30 वापस से कोई भी डोमेन जो है उसे रिवाइज कर लीजिए, डोमेन ऑलरेडी कवर्ड है तो ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं है। फिर 4:30 टू 5:30 उसी डोमेन को जिसको आपने रिवाइज किया उसका मॉक टेस्ट दे दीजिए, फिर से एक आधे घंटे का ब्रेक बीच में ले लीजिए। अगेन आपको कोई डाउट आ रहा है, आपको स्नैक्स के लिए ब्रेक चाहिए, सब लोगों का अपना एक अलग रूटीन होता है, तो अगर आपका घूमने का रूटीन है या कुछ भी तो आप उस रूटीन को इस दौरान क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में 6 से 7 दूसरा डोमेन जो है आपका उसको आपने क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, और 7 से 8 आपने उसका मॉक टेस्ट दे देना है। मैं रिवाइज के तुरंत बाद आपको मॉक टेस्ट इसलिए दिलवा रही हूँ क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट्स ब्रशअप हो जाते हैं। आपने एक हाथ रिवाइज किया, अब थोड़ा सा सोच हो के आप मॉक टेस्ट दोगे, 10 दिन बाद मॉक टेस्ट दोगे तो वो कॉन्सेप्ट्स वहीं धरे रह जाएंगे, ना तो आपको पता चलेगा कि वो आएंगे कैसे एमसीक्यू में और ना ही कभी आपने उनको करना है। फिर इसके बाद में 8 से 9 बजे तक का आप डिनर ब्रेक ले सकते हैं जिसके अंदर आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं अपने आप को, आप जो भी और एक्टिविटी करना चाहते हैं, फोन चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, फैमिली टाइम लेते हैं, जो भी है आप वो यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्टिव टाइम हो सकता है, पर ये आपके माइंड के लिए सबसे प्रोडक्टिव होना चाहिए, इट शुड बी एक ऐसा टाइम जिसमें वो सोए, ब्रेक ले, खाए और ब्रेक ले, क्योंकि आपका ऐसा होता है ना, डाइजेशन और ब्रेन एक साथ नहीं चल सकता, जब ब्रेन बहुत ज्यादा चलता है डाइजेशन वीक हो जाता है। तो अभी आपने ये टाइम आराम से अपने ब्रेक को ब्रेन को शांति देनी है और खाना खाना है। 9 से 10 आप तीसरा डोमेन जो है वो रिवाइज कर लीजिए और 10 से 11 उसका मॉक टेस्ट दे दीजिए। आप यहाँ पे वो डोमेन सब्जेक्ट को रखिएगा जो कि आपका थोड़ा प्रैक्टिकल वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकल वाले से नींद नहीं आती है, आप नाइट आउल हो तो मुझे लगता नहीं है वैसे भी आपको नींद आएगी। 11 से 12 बजे तक अपने डाउट जो जर्नल है उसको निकाल के उसे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आपको एक लिस्ट बना लेनी है उन टॉपिक्स की जिनमें आपको डाउट्स आ रहे हैं, जब भी आप मॉक कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन जिनमें डाउट आ रहे हैं आपके टीचर की मदद से आपको उसको सॉल्व करना है, और अगर आपने अच्छा पहले से पूछ लेना है डाउट ब्रेक में, अब आपने उन्हें खुद सॉल्व करना है ताकि बाय चांस अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ ना। देखिए आप जो क्वेश्चन को छोड़ेंगे वही आपको और दूसरे बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी के बीच में डिफरेंशिएट करेगा। तो आपको कोई क्वेश्चन जो है आपको ऐसा लगता है ये डिफिकल्ट है उसको ट्राई जरूर कीजिए ताकि से आप वो अच्छे से करके जाएं, बाय चांस वो क्वेश्चन आए तो आप कर पाए उसे, डाउट छोड़ के नहीं जाने। फाइनली 12 बजे से 1 बजे तक आप रिलैक्स कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, आप चाहे तो अगेन कोई कॉन्सेप्ट आपको ऐसा लगता है तो आप रिवाइज कर सकते हैं, एंड देन 1 से 9 बजे तक आप सो सकते हैं, आप चाहे तो 12 बजे भी सो सकते हैं, इससे आपकी 9 घंटे की स्लीप हो जाएगी। बट देन आई एम अज्यूमिंग कि सबका अपना एक अलग स्केड्यूल होता है, तो हो सकता है कहीं पर अगर आप कुछ मैच ना कर पाए तो ये एक ऐसा घंटा है जिसके अंदर आप वो मैच कर पाएंगे। देखिए ये मेन रीजन है जो कि जिसकी वजह से मैं आज ये स्केड्यूल का वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए मैंने जो है बहुत कंपेटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, और मैं बता रही हूँ मैं एक एग्रेसिव स्टूडेंट हूँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे को पढ़ना है तो फिर मैं वो एक स्ट्रेच में पढ़ती हूँ, जो कि ये गलत बात है। खाने पीने सोने के थोड़े से ऐसे होते हैं कि हालतें खराब हो जाती हैं, मैंने उसकी वजह से बहुत कुछ सफ़र किया, बहुत हेल्थ इश्यूज सफ़र किया और वो हेल्थ इश्यूज अभी तक चल रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ आपको याद दिलाने के लिए कि मुझे पता है कि आपके पास कम समय है, मुझे पता है कि आप लोग डरे हुए, मुझे पता है आप नर्वस हो, आपके ऊपर प्रेशर है, बट दो चीज़ें आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है किसी के लिए भी इस दुनिया के अंदर, दो चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, बिकॉज उसका मतलब है आप अपनी ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। एक है आपके लिए खाना, खाना एकदम करेक्ट टाइम पर, और एक है स्लीप, इन दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। 10 घंटे आप पढ़ रहे हो, 10 घंटे की पढ़ाई यहाँ जाएगी कैसे अगर आप 8 घंटे सोओगे नहीं, उसको स्टोर करने के लिए 8 घंटे सोना जरूरी है। तो ये चीज आपको बिल्कुल करनी है, और मॉक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि मॉक्स छोड़ दिए अब तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसके बाद में ऐसे बच्चे जो सुबह जल्दी उठते हैं उनके बारे में बता देती हूँ आपको। अगेन आपने क्या करना है, 6 बजे आपने उठ जाना है, 6 से 7 के बीच में आप अपना मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं, क्योंकि ये टाइम पे यूजुअली बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लगती है। लैंग्वेज पढ़ना है 7 बजे, 7 से 8 आपने लैंग्वेज पढ़ लिया, 8 बजे आपने लैंग्वेज का मॉक टेस्ट दे देना है। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जब मैं 1 घंटे की बात कहती हूँ तो आपने यहाँ पे लगभग कुछ ऐसी पढ़ाई कर लेनी है कि आप 10 मिनट का ब्रेक उसके अंदर ले लें, मतलब आपने 25 मिनट पढ़ाई की, 5 मिनट का ब्रेक लिया, 25 मिनट पढ़ाई की, 5 मिनट का ब्रेक लिया। मॉक पेपर वैसे भी 45 मिनट का है,
सिर्फ जीटी वाला मॉक पेपर है जो 60 मिनट का है, तो इसमें आपको 15 मिनट का और ब्रेक मिलेगा एनीवे, ठीक है। फिर इसके बाद में 9 बजे आप ब्रेक लेंगे, 9 से 10 बजे तक ब्रेक लेंगे, क्योंकि आपके ब्रेकफास्ट का शार करने का टाइम रहेगा। 10 बजे आप जीटी के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लीजिए जिनकी आपने लिस्ट बना रखी है। 11 बजे आप जीटी का मॉक टेस्ट दे दीजिए 11 से 12। 12 बजे आपके लिए डाउट्स ब्रेक होगा, वो डाउट ब्रेक जो नाइट आउल रात में 12 बजे कर रहे होंगे वो आप अभी लेंगे। ये आपके जर्नल का टाइम है, आप ये मत सोचिए कि इतने में मुझे क्या डाउट्स आएंगे। ये ऐसा है कि ये रेकरिंग नेचर का है, आपको पिछले दिन के जितने डाउट्स थे आप अभी वो सॉल्व कर लीजिए, फिर ये वाले जो होंगे वो अगले दिन पे जाएंगे। इस तरीके से आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपने डाउट वाउट सॉल्व कर लिए, अब आप लंच ब्रेक लीजिए, 1 बजे आप अपना खाना खा लीजिए, आराम से रिलैक्स कीजिए। 2 से 3 बजे तक आप अपना डोमेन सब्जेक्ट जो है उसको रिवाइज कर लीजिए। 3 से 4 बजे तक आप उसका मॉक दे दीजिए। 4 से 4:30, क्योंकि आप 6 बजे उठ गए हो सकता है आपको नींद आ रही हो सकता है आपको एक छोटा ब्रेक चाहिए, तो आप यहाँ पे डाउट्स ब्रेक ले सकते हो, डिस्कशन का ब्रेक ले सकते हो, इंस्टाग्राम कर सकते हो, रिलैक्स होने के लिए ब्रेक ले सकते हो। अगेन आपको 4:30 से 5:30 के बीच में डोमेन रिवाइज करना है, 5:30 से 6:30 के बीच में उसका मॉक पेपर देना है। आपको मैंने बता दिया है कि मॉक पेपर के लिए आप एडुकार्ड को सेलेक्ट कर सकते हो, जहां पे आपको मिल रहे हैं एग्जैक्टली एनटीए वाले मॉक पेपर एंड उनके एक्सप्लेनेशन भी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अनसॉल्व्ड पेपर्स। और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ये सबके लिए अवेलेबल है, तो यू कैन स्टिल कंसिडर बाइंग दिस। अब इसके बाद में अगर मैं बात बताऊं तो आप यहाँ पे 6:30 से 7 बजे तक ब्रेक ले सकते हैं। अगेन आपकी कुछ एक्टिविटीज हो सकती है और आपको 12 घंटे हो चुके हैं लगभग उठे हुए, तो आप जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। 7 से 8 बजे तक आप अगेन अपने तीसरा जो आपका डोमेन है उसको आपने रिवाइज कर लेना है। यहाँ तक आपकी एनर्जी एकदम जीरो हो जाएगी, क्योंकि आप 6 बजे से ये कर रहे हो, तो अब आपने थोड़ा कुछ खा लेना है ताकि से वापस से आपके अंदर एनर्जी आ जाए। देखिए आपको ये कोशिश करनी है कि आप जितना बिना ब्रेक के पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा डिफिकल्टी होगी पढ़ाई करने में, क्योंकि आप जितना बिना ब्रेक के पढ़ाई करोगे उतना फटीग फील करोगे और उतनी एफिशिएंसी कम और उतनी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो आपने यहाँ पे डिनर ब्रेक लेना है, इसलिए लेना है ताकि से अब आप 1 घंटा भी जो आपके पास है, 1 या 2 घंटा भी आपके पास जो है वो अच्छे से पढ़ सको। आपने ये जो डोमेन रिवाइज किया है उसका मॉक पेपर देना है, ये डोमेन प्रैक्टिकल सेलेक्ट कीजिएगा ताकि यहाँ नींद ना आए। इसके बाद में आपने 10 बजे से 6 बजे तक 8 घंटे की नींद जो है वो आपने कंप्लीट करनी है। सो 8 घंटे की जो नींद है वो आपको कंप्लीट करनी है हर केस में, चाहे आप अर्ली बर्ड हैं, नाइट आउल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 2 बड़े ब्रेक्स लेने हैं मील के लिए, 1 बड़ा ब्रेक लेना है एक्सरसाइज मेडिटेशन के लिए, वो भी मील हो गया, तो 3 बड़े ब्रेक्स मील एक्सरसाइज मेडिटेशन के लिए लेने हैं। 8 घंटे की आपको नींद लेनी है और छोटे छोटे आधे घंटे के ब्रेक जो डिक्लेयर कर दिए ब्रेक वो लेने हैं, और हर मॉक पेपर में 15 मिनट का ब्रेक जो है वो आपको दिमाग में लेकर चलना है। इसके बेसिस पे आपको अगर और कोई स्केड्यूल लगता है तो आप बना सकते हो, क्योंकि सबके घर में खाना अलग टाइम पे बनता है, सब लोग के घर में एक अलग रूटीन होता है, तो वो भी आप कर सकते हो, पर इन चीजों का ख्याल आपको खास करके रखना है। अभी आप प्रेशर में आएंगे और छोटे बच्चे प्रेशर में बीमार पड़ जाते हैं, तो आप अभी प्रेशर में आएंगे, तो देर आर चांसेस की तबीयतें खराब हो जाएंगी, हो सकता है आपकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा ना आए, आप नर्वस हो जाएं, आती भी चीजें बेकार हो जाएंगी। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो अ स्केड्यूल दैट गिव्स यू इनफ स्लीप, आपको टाइम टू ईट, एंड ऑल्सो गिव्स यू नो एक ऐसा स्केड्यूल जो कि इट गिव्स यू स्पेस टू थिंक अबाउट थिंग्स। दैट मीन्स आपको डाउट्स आ रहे हैं, सो यू सिट विदाउट अ प्रेशर एंड यू सॉल्व, बिकॉज मॉक पेपर्स में यू हैव प्रेशर 45 मिनट्स, ये तो आप बैठ के सॉल्व करो, सो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज योर टाइम एफिशियंटली अभी, बिकॉज इट्स हाई टाइम एंड दिस इज हाउ आई थिंक यू शुड बी रिवाइजिंग इन योर 10 डेज, फॉर द 10 डेज दिस शुड बी योर 10 डेज स्केड्यूल राइट बिफोर योर एग्जाम, एंड इफ यू फॉलो दिस आई एम श्योर कि आप यू नो रिलैक्स भी कर लेंगे एंड आपका पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड येस दैट्स प्रीटी मच इट। सो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसे फॉलो किया हुआ है। डिफरेंस बस इतना सा है कि जब मैं अर्ली बर्ड थी, जहाँ पे मैं आपको 6 बजे उठा रही हूँ वहाँ पे मैं खुद 4 बजे उठती थी, तो मैं 4 बजे उठती थी, मुझे 4 बजे उठने तक की अभी तक भी आदत थी, अभी रिसेंटली छूटी है। सो 4 बजे मैं उठती थी और फिर मेरा ये कुछ ऐसा स्केड्यूल रहा करता था। तो आप भी स्केड्यूल को फॉलो कीजिए, मॉक पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उन्हें मिस मत कीजिएगा। आई हैव गिवन यू लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं एडुकार्ड को भी।
So, Bachawadi, that's pretty much it. And I will see you in the next one. I hope you liked the video. If you did, please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in the next one. Bye-bye. Take care.